हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अराउंड इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक्सेल की जो शॉर्टकट की है, आप उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उस वीडियो को आप लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं कि आप किस तरह से एक्सेल की शॉर्टकट कीज को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो सबसे पहला शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट डब्ल्यू और डबल एफ। तो फ्रेंड्स, इससे होगा क्या, ऑल्ट डब्ल्यू डबल एफ से इससे होगा ये कि आपके पास एक कॉलम या रो जो आप सिलेक्ट करना चाहें वो आपके पास फ्रीज हो जाएगी, यानी कि आप अपना डेटा उसके अंदर फ्रीज कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसका डेटा है ऑल्ट डब्ल्यू और डबल एफ। आप प्रेस करेंगे ऑल्ट, फिर डब्ल्यू और फिर एफ, फिर एफ। ये देखें, ये आपके पास एक कुछ लाइन आ जाएगी इस तरह से, इसके अंदर आप ये देखेंगे लाइन, तो ये आपकी फ्रीज हो जाएगी। इसके अंदर आप इसके अंदर कोई भी डेटा अपने पास डाल सकते हैं, और अगर आप डेटा को मूव करेंगे तो ये लाइनें अपनी जगह रहेंगी, डेटा आपका मूव होता चला जाएगा। तो ऑल्ट डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का ये फायदा होता है कि आप किसी भी कॉलम को या रो को अपने पास फ्रीज कर सकते हैं, और इसको हटाने के लिए भी आप यही फार्मूला लगाएंगे, ऑल्ट डब्ल्यू और डबल एफ। यानी कि इस शॉर्टकट की से आप फ्रीज कॉलम को फ्रीज भी कर सकते हैं और इसको यहां से रिमूव भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो एक कंट्रोल पेज अप। तो इससे आप अपने शीट को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं करूंगा इधर कंट्रोल पेज अप, ये देखिए इस तरह से पेज अप हो जाएगा। और इसके बाद जो दूसरा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल पेज डाउन। आप कंट्रोल करेंगे और पेज अपने डाउन करते जाएंगे, कंट्रोल पेज अप करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन, तो ये आपकी शीट जो है वो मूव होती चली जाएगी इसके अंदर। तो कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन, ये आपके दो शॉर्टकट की हैं। इससे आप अपनी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं या शीट को आप अपनी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, चौथा शॉर्टकट की है वो ये कि आप अपने नाम में कोई चेंजिंग करना चाहें या कोई चीज़ ऐड करना चाहें, तो आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इधर अकाउंट इंफॉर्मेशन के अंदर मैं यहाँ से डबल डॉट जो है हटा रहा हूँ, तो मुझे करना है इसके अंदर F2। F2 आप जैसे प्रेस करेंगे तो कर्सर आपके सेल के अंदर आ जाएगा, और फिर आपको उसके अंदर जो मूवमेंट करनी है वो आप कर सकते हैं, और फिर आप कर देंगे इधर एंटर। तो F2 का फायदा आपका यही होता है कि कर्सर जो है आपके सेल में होता है, या तो आप डबल क्लिक करेंगे या फिर आप F2 प्रेस करेंगे तो कर्सर आपके सेल के अंदर आ जाएगा, लेकिन शॉर्टकट की है कि आप F2 यूज करें। और फिर फ्रेंड्स, इसके बाद मेरा पांचवा जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट और F11। इससे हुआ क्या कि इससे जो है आपके पास VBA ये आ जाएगा। VBA होता क्या है, तो मैं करूंगा ऑल्ट और F11। ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, इसके अंदर आप एप्लीकेशन को इधर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट VBA, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, Sheet 3। मैं इस वक्त Sheet 3 के अंदर हूँ, तो इसके अंदर आप तमाम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इधर आपको इसके अंदर कोई चीज चेंज करनी है तो आप इसके अंदर से कर सकते हैं, जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू, इंसर्ट, इस तरह से आपके पास इधर बहुत सारे मेन्यू बार नजर आएंगे। ये आपको इधर एक्सेल का एक रिबन नजर आ जाएगा, इसके अंदर आप सिलेक्ट करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको काट दूंगा, और फिर इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है, तो फ्रेंड्स आपको कट और पेस्ट के बारे में तो मालूम होगी, जैसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। मैं इस नाम को सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने पास और करूँगा कंट्रोल सी, और फिर इसको मैं कहीं भी पेस्ट कर दूंगा तो मैं करूँगा कंट्रोल वी। तो ये आपका इस तरह से यूज होता है, आप जहाँ जहाँ इसको चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी के जरिए इस तरह से। और फिर फ्रेंड्स, इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो यही कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड आपका कहलाता है अंडू। तो इससे हुआ क्या कि आपने जो इसके अंदर कोई मूवमेंट करी होगी लास्ट टाइम,
उसको आप रिमूव कर सकते हैं। मैं करूंगा इधर कंट्रोल जेड, तो इसके अंदर मैंने शॉर्टकट की के जरिए अपने पास कट पेस्ट किया था, तो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो ये तमाम चीजें यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। और फिर कंट्रोल वाई, ये आपका होता है रीडू, कंट्रोल वाई आपका रीडू होता है, यानी कि आप चाहे तो उसके अंदर से जो आपने रिमूव किया हो उसको आप वापस ऐड भी कर सकते हैं अपने पास। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मैंने अगला शॉर्टकट की है वो एक ऑल्ट डी और पी, तो इससे फायदा क्या होगा फ्रेंड्स, ऑल्ट डी और पी से इससे आपके पास एक पाइवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो पाइवट टेबल को किस तरह से यूज कर सकते हैं मैं अपने पास एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको प्राइवेट टेबल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे प्राइवेट टेबल की वीडियोस को देख सकते हैं। तो इधर मैं करूँगा ऑल्ट डी और पी, ये देखें ये आपके पास प्राइवेट टेबल क्रिएट हो जाएगा। इधर आपके पास बता रहे प्राइवेट टेबल एंड प्राइवेट चार्ट, तो आप इसके अंदर देखेंगे प्राइवेट चार्ट रिपोर्ट, आप प्राइवेट टेबल को करना चाहें तो प्राइवेट टेबल को सिलेक्ट हुआ इधर और आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास एक प्राइवेट टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको काट रहा हूँ अभी। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो ये है कि ऑल्ट ओ एच और आर, ऑल्ट ओ एच आर, इससे होगा क्या, इससे आपकी जो शीट है इसका नेम, कर्सर आपके शीट के नेम के अंदर आ जाएगा। जैसे कि मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो देख रहे हैं आप कर्सर जो है आपकी शीट के अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर आप माउस को यूज नहीं कर रहे तो आप डायरेक्ट करेंगे F2, आप शीट को सिलेक्ट करेंगे अपने पास, आप अपने पास शीट को सिलेक्ट करेंगे और करेंगे ऑल्ट HOR, तो देखें कर्सर जो है आपके शीट के अंदर आ जाएगा, शीट 4 आप देखेंगे तो कर्सर इस शीट के अंदर आ जाएगा। तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इधर कर देता हूँ शॉर्टकट, तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं इसके अंदर। तो इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट ओ एच आर, यह आपका कहलाता है रीनेमिंग द शीट। और इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है ऑल्ट ई एम, तो इससे आप अपनी शीट को अप डाउन कर सकते हैं। तो मैं करूंगा इधर ऑल्ट ई और एम, ये देखें मूव और कॉपी। तो आप चाह रहे हैं कि जो आपका आपके पास शॉर्टकट की है आप इसको सिलेक्ट करेंगे अपने पास और आप इसको मूव कर देंगे जहां आपको मूव करना है, मूव टू एंड कर देंगे। आपने शॉर्टकट किसको अगर सिलेक्ट किया हुआ है, शॉर्टकट आपका शीट नेम है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और करेंगे मूव टू एंड। तो मैं करूंगा इधर ओके, ओके करते ही ये शॉर्टकट जो शीट नेम है ये मेरे पास सबसे लास्ट में आ जाएगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसी का ही मेरे पास एक और कॉपी आ जाए तो मैं करूंगा इधर क्रिएट अ कॉपी, इसके बराबर में एक आपको कॉलम दिखेगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक मेरे पास और शॉर्टकट के नाम से एक फाइल, एक शीट मेरे पास क्रिएट हो जाएगी। ओके करते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास शीट इधर क्रिएट हो जाएगी। तो फिलहाल मुझे ये नहीं करना है तो मैं इसको यहाँ से काट दूंगा। फिर फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट और एच। तो फ्रेंड्स इससे होगा क्या कि इससे आपके पास जितने भी आपके पास इधर रिबिन होंगे इन तमाम की इधर शॉर्टकट की जो है आपको नजर आ जाएंगे, यानी कि ऑल्ट और एच मैंने प्रेस किया है, इसके बाद आप एक्स प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कट आ जाएगा, आप सी को यूज करेंगे तो आपके पास इधर कॉपी आ जाएगा, अगर आप एफ पी को यूज करेंगे तो आपके पास इधर फॉर्मेट पेंटर आ जाएगा, आप 1 को यूज करेंगे 2 को 3 को तो आपके पास बोल्ड आ जाएगा, आई आपकी राइटिंग चेंज हो जाएगी, यू के नीचे आपके पास एक अंडरलाइन आ जाएगी और बी से आपके पास बॉर्डर आ जाएगा, एच से आपके पास फिल कलर आ जाएगा और एफ सी से आपके पास फॉन्ट कलर आ जाएगा। इस तरह से आपके पास जब तमाम शॉर्टकट कीज जो है वो आ जाएंगे, इससे पहले आपको ऑल्ट और एच प्रेस करना पड़ेगा। तो ऑल्ट और एच प्रेस करने से आपके पास रिबन के अंदर तमाम शॉर्टकट की जो है वो आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल 5, तो आप इसके अंदर देखेंगे मैं करता हूँ अभी, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसके अंदर 5 के दरमियान जो है एक अंडरलाइन आ जाएगी, तो
तो मैं इधर लिखूंगा जैसे कंट्रोल 5, क्योंकि मेरे पास इधर कोई नंबर सिलेक्ट नहीं है, तो मैं इधर लिखता हूँ अभी अपना नाम। देखें जी मेरे पास आ जाएगा, मैंने किया है कंट्रोल और 5। आपके पास अगर कोई मिस्टेक हो जाए और आप चाह रहे हैं कि वो अगर काट ना पाए उसको, तो उसके बीच में आप ये लाइन डाल सकते हैं सिर्फ कंट्रोल और 5 के जरिए। आप उस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे या फिर सिर्फ आप उसकी रेंज लेंगे और कंट्रोल 5 प्रेस कर देंगे, तो उसके दरमियान ये एक लाइन आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कंट्रोल और 5 आपको कहलाता है टू स्ट्राइक आउट, यानी कि वर्ड के दरमियान एक लाइन। और फिर इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की वो है ऑल्ट आई एफ। तो ऑल्ट आई एफ का मतलब क्या होगा? इससे होगा कि आपके पास जितने भी आपके शीट के अंदर फार्मूला होंगे ना, वो आपको वाजे नजर आ जाएंगे। जैसे मैं इधर करूंगा ऑल्ट आई और एफ, ये देखें आपके पास इधर कॉनकेटेनेट है, सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्सिमम, और आप इसको नीचे सिलेक्ट करेंगे तो साइन, सम इफ, पीएमटी, ये तमाम फार्मूले आपके पास आ जाएंगे। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंसर्ट फंक्शन। तो ओल्ट आई एफ आप प्रेस करेंगे तो आपके पास इंसर्ट फंक्शन का एक चार्ट आपके पास से क्रिएट हो जाएगा। मैं करूंगा इधर ओल्ट आई और एफ, ये देखें ओल्ट आई से ओल्ट आई एफ प्रेस करते ही मेरे पास इंसर्ट फंक्शन का एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा। आपको जो चीज इसके अंदर से आपको यूज करनी है वो चीज, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और गो के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैं इसको यहां से काट देता हूँ अभी। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए से होगा क्या? सबसे पहले आप माउस को यूज करेंगे, तो आप इधर देखेंगे कि आपके पास एक इधर ए के दरमियान, यानी कि ए बी सी जो दी हुई होती है इधर, इसके दरमियान आप एक बटन देखेंगे। आप इसको प्रेस करेंगे अपने पास, तो आपकी पूरी शीट जो है इधर से सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप शॉर्टकट की इसको यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपके पास पूरी शीट जो है इधर सिलेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल और स्पेस बार। ये देख रहे हैं आप कंट्रोल और स्पेस बार मैंने प्रेस किया है, तो मेरे पास सिर्फ कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाना चाहिए थे, लेकिन मेरे पास एक जो मेरे पास इधर कॉलम है, जो मेरे पास इधर एक सेल है, ये मैंने मर्ज किया हुआ है, तो इसकी रेंज में जो भी आएगा वो यहीं तक ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं करूंगा कंट्रोल और स्पेस, तो आपके पास पूरी शीट के अंदर जितने भी आपके पास कॉलम होंगे ना, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे इधर। और अगर आप रो सिलेक्ट करना चाह रहे पूरी, तो आप करेंगे शिफ्ट और स्पेस। शिफ्ट और स्पेस आप प्रेस करेंगे अपने पास, तो आपके पास पूरी शीट जो है तमाम इसके अंदर जो रो होंगे वो तमाम आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मैंने अगला शॉर्टकट किया है वो है कंट्रोल और F3। इससे आपके पास नेम मैनेजर का एक चार्ट आ जाएगा। मैं करूंगा इधर कंट्रोल और F3, ये देखें नेम मैनेजर। फिलहाल इसके अंदर शीट के अंदर मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास खाली आ रहा है। आपको बता रहे इधर आपके पास नेम है, वैल्यू है, रिफर्स टू, स्कोप का स्कोप और कमेंट, इसके अंदर आपको एक फिल्टर का ऑप्शन दे रहा है, तो आप नेम मैनेजर को यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मैं अगला शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट ई और 9। तो फ्रेंड्स ऑल्ट ई और 9 प्रेस करते ही होगा क्या? आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस, यानी कि आपके पास इधर जितने भी कोई आप लेजर बनाए या कोई भी इस तरह की चीजें बनाए जो आपको ढूंढनी पड़े, तो आप ऑल्ट ई और 9 को प्रेस कर देंगे। तो ऑल्ट ई और 9 को प्रेस करते ही आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का चार्ट आ जाएगा। आप उसके अंदर कोई भी वर्ड लिखेंगे, अगर आपकी शीट के अंदर वो वर्ड होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं करूंगा इधर ऑल्ट ई और 9, ये देखें फाइंड एंड रिप्लेस। आप इधर देखेंगे मैं करूंगा इधर, तो मैंने ओके किया है, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल वाज़े है मेरे पास। इधर मैं करता हूँ दोबारा से, ये देखें ये मेरे पास बता रहा है कि सिर्फ इसके अंदर ही वेलकम है। इस सेल के अंदर मैंने लिखा है वेलकम टू अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो वेलकम मुझे शो कर रहा है इधर। तो आपका इस तरह से यूज कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स इसके फाइंड एंड रिप्लेस के दो शॉर्टकट की होते हैं। एक तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ तो आपके पास इधर फाइंड एंड रिप्लेस आ जाएगा, और इसके बाद दूसरा शॉर्टकट की है ओल्ट ई और
नाइन, ऑल्ट ई और नाइन आप प्रेस करेंगे तो आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का एक चार्ट आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर से आप कोई भी चीज़ आप फाइंड करना चाहें तो उसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैंने लास्ट शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट और डबल क्लोज। ऑल्ट और डबल क्लोज आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक स्टाइल नाम का चार्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर आप देखेंगे आप अपना स्टाइल नेम डाल सकते हैं कि नॉर्मल रखना है, क्या रखना है। स्टाइल इंक्लूड, इसके अंदर आप नंबर देखेंगे, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। तो आपके पास इधर जर्नल, जर्नल बॉटम, अलाइनमेंट, अलाइंड और इस तरह की आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपके पास शो हो जाएंगी। तो स्टाइल के जरिए भी आप काफ़ी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको तकरीबन 20 शॉर्टकट कीज के बारे में बताया है। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो के हवाले से कोई बात पूछनी है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।